अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है एफईसी पार्ट टू मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर टू डिफरेंशिएशन। तो एक्सरसाइज है 2.4। इसी के हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर वन एंड टू, उसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट वन है, एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस वन और थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। तो इसका हमने फाइंड कर लेना है dy वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अभी हमारे पास x है, x का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये फंक्शन थीटा में है, इक्वल टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा प्लस वन और थीटा। इस तरह y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, थीटा प्लस वन। ठीक है, सो ये हो जाएगा टी एक्स बाई डी थीटा, और इसको हम अलहदा अलहदा करेंगे कैसे, डी बाई डी थीटा प्लस फिर डी बाई डी थीटा वन आवर थीटा का। इसी तरह ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसको भी अलग अलग डी बाई डी थीटा, थीटा का डिफरेंशिएट प्लस डी बाई डी थीटा वन का डिफरेंशिएट। ठीक है, सो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डिफरेंशिएट ये हो जाएगा वन प्लस, इसका डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, इसको ये थीटा जो है इसको ऊपर लेके जाते हैं तो थीटा माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा का डिफरेंशिएट वन हो जाएगा प्लस वन का डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू वन प्लस ये पावर जो है माइनस वन, ये पहले आ जाएगा थीटा एंड पावर से एक माइनस होता है। ठीक है, सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू वन, इसका रिजल्ट वन आ गया। अब इससे क्या आता है, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू वन, ये प्लस नेगेटिव नेगेटिव वन हो जाएगा। सो ये थीटा पावर माइनस टू नीचे आके थीटा प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, और ये भी उस तरीके से। सो आखिर में जो हमारा रिजल्ट बन रहा है डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये एलसीएम हम ले लेंगे थीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे थीटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, तो एक रिजल्ट ये हो गया एंड दूसरा ये हो गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं, अब हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हमसे ये मांग रहा है, तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। इस पर हमने चेन रूल लगाया, ये दोनों फिर कैंसिल हो सकते हैं और वापस में डी वाई बाई डी एक्स बन सकता है। तो ये कीमतें हमने फाइंड की हुई है, तो यहाँ पर पुट कर लेने हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, ये है वन हमारे पास, डॉट डी थीटा बाई डी एक्स ये है, लेकिन हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है और यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स है, तो जिस तरह ये हैं तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। पहले हम थीटा स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर माइनस वन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसको हम उल्टा लिख के ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये है हमारा सल्यूशन। अब ये है पार्ट टू, एक्स इज इक्वल टू ए
इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर, इसी तरह वाई इज इक्वल टू टू बी टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर। तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं एक्स को, अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। सो दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और इस साइड से भी ए वन मंथली टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और बाकी जो है बाकी पे लगता है क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल का तरीकाकार यह है कि इसको छोड़ दिया जाता है यानी नीचे वाले को, और डिफ्रेंशिएट होता है ऊपर वाला यानी वन माइनस टी स्क्वायर, फिर माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ दिया जाता है और नीचे वाले का डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए वन प्लस टी स्क्वायर, और इसी का डिफरेंशिएट हो जाएगा वन का डिफरेंशिएट जीरो माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू टी हो जाएगा माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएट वन का जीरो प्लस टी स्क्वायर का टू टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करना है साथ में, क्या हो जाएगा इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस टू टी, अगर इसके साथ कर लें तो माइनस टू टी क्यूब बन जाएगा माइनस, इसी तरह टू टी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो टू टी हो जाएगा माइनस टू टी क्यूब बन जाएगा डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू टी माइनस टू टी क्यूब, ए माइनस टू टी माइनस माइनस पॉजिटिव टू टी क्यूब डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव माइनस टू टी क्यूब प्लस टू टी क्यूब ये कैंसल, तो बाकी बच जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू एंड माइनस टू माइनस फोर टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इससे ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आखिर में जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो ये है कि माइनस फोर ए टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक रिजल्ट ये हो गया। वाई इज इक्वल टू टू बी टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएट हम उसी तरीके से करेंगे बाई क्वोशेंट रूल। तो ये टू बी जो है ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिखना होगा, तो लिख लेते हैं डी बाई डी टी वाई का डिफरेंशिएट इज इक्वल टू डी बाई डी टी टू बी एंड टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टू बी जो हैं इसको हम बाहर लिख लेंगे, बाकी के हम डिफरेंशिएट करेंगे टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का। तो इस पर हम क्वोशेंट रूल लगाएंगे, वो इस तरह कि वन प्लस टी स्क्वायर जो हैं इनको हम छोड़ लेंगे और टी का हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो टी का डिफरेंशिएट वन हो जाएगा माइनस, अब टी को हम छोड़ेंगे वन प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, तो वन का डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू टी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई वन प्लस
स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टू बी, तो ये वन प्लस टी हो जाएगा माइनस टी, जीरो को मल्टीप्लाई कर लें तो जीरो, इसी को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस टू टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टू बी, ठीक है। वन ये माइनस टू टी स्क्वायर है, ये प्लस टू, तो माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो आखिर में हमने फाइंड करना है कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस पर हम चेन रूल लगाएंगे, वही तरह कि डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स, तो इसका हम नाम देते हैं ए। तो इसी में हम कीमतें पुट करेंगे तो तब हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, इसका आंसर ये है, मतलब टू बी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट में। अब है डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, लेकिन हमारे पास डी एक्स बाई डी टी है, तो इसको हम इन्वर्ट करके लिख लेंगे, कैसे, वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस फोर ए टी, ठीक है। तो ये कैंसल आउट, और जो रिजल्ट आखिर में बचेगा वो ये होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू बी इंटू वन माइनफी टी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस फोर ए टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ पर लिख लेंगे, और टू वन दर टू, टू टू दर फोर, ठीक है। तो आखिरी रिजल्ट हमारे पास होगा बी वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए टी। सो ये है हमारा रिजल्ट।